हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आ गया है मेरे पास, देख सकते हैं साइंस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पे सेट कोड ये है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर जो भी आप लोगों का सेट होगा अपना मिला लेना, और जो सेकेंड सेटिंग में एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों उन सभी छात्रों के लिए मैं बता दूँ कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लेना। अभी आपके एग्जाम में 1 घंटे का समय बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वायरल हो गया है पेपर, देख सकते हैं मेरे पास भी आ चुका है यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का 2019 का साइंस का, ठीक है, विज्ञान का। तो बने रहिएगा दोस्तों इस चैनल पर, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि आपका दोस्त भी जल्दी जल्दी फायदा उठा पाए दोस्तों उस वीडियो को, और जान पाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी को डायरेक्ट पूछे भी जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि आप लोग जैसे ही एग्जाम देकर आए तो उसका हम आंसर की लेकर आओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है, और आप मिला लेना। यहाँ पे हम लोग चलिए जानते हैं दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है आज 23 फरवरी को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास सेक्शन ए है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव पूछे गए आप सभी के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीव है। ये फर्स्ट सेटिंग का है दोस्तों, फर्स्ट सेटिंग का, ये सेकेंड सेटिंग का मत समझना, ये फर्स्ट सेटिंग का है, तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया जो है परजीवी है, तो परजीवी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों लिस्मैनिया, ठीक है दोस्तों, एक का बी हो जाएगा लिस्मैनिया। दो नंबर है कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जानते होंगे दोस्तों बायोगैस है, बायोमास, ठीक है दोस्तों बायोमास है, तो यहाँ पे 2 का डी हो गया। 3 नंबर है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होता है 3 का, यहाँ पे सी हो जाएगा 6 आंसर, ठीक है दोस्तों 6 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है, चैम्बर्स की जानते होंगे दोस्तों 4 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का सी हो गया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में, तो कवक में जो है कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की, तो ये पाया जाता है आपका मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी पाया जाता है, तो 5 का ए हो गया मृतजीवी। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H4, ठीक है, 6 का सी हो जाएगा C2H4। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, तो ये होता है दोस्तों उत्तल लेंस में, ठीक है, 7 का भी हो गया उत्तल लेंस में होता है। 8 नंबर है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा दोस्तों बी उत्तल लेंस, ठीक है, 8 का बी हो गया। 9 नंबर है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका एनोडीकरण, ठीक है, 9 का बी हो गया एनोडीकरण। तो चलिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बने रहेगा दोस्तों वीडियो पे ताकि आप सभी को जो सारी जानकारी प्रश्नों की आ जाए, और अपना मिला लेना कि कौन सा आप सभी का सेट आया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास सेट ई का क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है दोस्तों, तो ये है यूनिट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 का सी हो जाएगा यूनिट। देखिए 11 नंबर है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, दूर बिंदु पूछा जा रहा है ना कि न्यूनतम बिंदु, अगर न्यूनतम बिंदु पूछता तब 25 सेंटीमीटर होता है, देख लेना दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूर बिंदु, तो दूर बिंदु होगा अनंत, ठीक है, तो यहाँ पे 11 का डी हो जाएगा अनंत। 12 नंबर है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध मतलब बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं, तो ये होता है दोस्तों आपका एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है दोस्तों, तो 12 का ए हो गया। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी तथा मानव, ठीक है, यहाँ पे 13 का बी हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। 14 नंबर है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, ठीक है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता, तो ये जो करता है दोस्तों ये अग्नाशय होता है, ठीक है, पैनक्रियाज, तो 14 का ई हो गया राइट आंसर यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आया हुआ है 15 से लेकर 19 तक, ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही लेकर आऊँगा तो उसमें आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं है 15 से लेकर 19 तक। देखिए 20वां क्वेश्चन है 20 नंबर की, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा वंशागत दोस्तों, ये है आपका 20 का हो जाएगा बाल की प्रकृति, ठीक है, बाल की प्रकृति जो है वंशागत नहीं है, ठीक है, नेचर ऑफ हेयर, तो 20 का डी हो गया। 21 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है,
तो आधुनिक आवर्त सारणी जानते होंगे दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है आवर्तों की संख्या 7 और ग्रुप की संख्या 18 होती है। तो यहाँ पे हो गया 21 का ए आंसर 7 हो जाएगा। 22 नंबर है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका 6, ठीक है, C12 मतलब C6, ठीक है, मतलब होता है ना दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ये होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे C6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12, 22 का बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा 6 आंसर। 23 नंबर है कि देखिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7, ठीक है, यहाँ पे 23 का बी हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा लाल का, ठीक है दोस्तों, लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे कम झुकता है, ये भी मैं आप लोगों को बताया था पिछले सेट में। यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड संस्कृत, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या करती है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी जो है संकेत करती है, तो वो करती है दोस्तों आपका वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे 25 का बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये होता है दोस्तों आपको इथेनॉल, ठीक है दोस्तों, 26 का ये हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जानते होंगे दोस्तों लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो होता है क्षार, ठीक है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है, यहाँ पे क्षार हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए 28 नंबर है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, क्या ली जाती है दोस्तों, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखिए क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए अगर नहीं दिख रहा हो तो, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है, क्या लिया जाता है दोस्तों, तो ये लिया जाता है आपका ऋणात्मक, ठीक है, 28 का बी हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, क्यों होता है दोस्तों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ये हो जाएगा सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, और ये टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर आप लोग जानते होंगे इसका आंसर तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे सी और डी में से कोई एक है। देखिए 30 नंबर है कि निम्न में से कौन अंग संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक है दोस्तों, संवेदी ग्राही पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो ये है आपका दिमाग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिमाग नहीं दिख रहा है तो ब्रेन यहाँ पर हो जाएगा, 30 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ब्रेन या फिर दिमाग, ठीक है। 31 नंबर है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है बढ़ता है, ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की का कुल प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर 31 का ये हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है दोस्तों तो आप लोग सुन सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो जैसे लेकर आएंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे। 32 नंबर है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का जो उदाहरण है दोस्तों वो है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है, तो यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा समजात अंग का उदाहरण में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर देखिए दोस्तों, 33 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत शक्ति का यानी पावर का बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पी बराबर क्या हो जाएगा 33 का यहाँ पे आई आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी होता है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा दोस्तों आई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पी बराबर वी आई जानते होंगे दोस्तों, वी आई, ठीक है, तो वी बराबर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बराबर आई आर स्क्वायर, अगर आप इसका मान रखोगे ओम्स लॉ के अनुसार तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी फार्मूला होता है, वी आई भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे
भी के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे पावर का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 नंबर है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा आधे, ठीक है, यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो बढ़िया से एक बार सुन लो दोस्तों, कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा आधे। 35 नंबर क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्रवन का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, रीजनरेशन का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35 का राइट आंसर आपका हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। 36 नंबर है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय स्रोत है, कचरा है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका थर्मोकोल, ठीक है, 36 का राइट आंसर आपका थर्मोकोल हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश का परिकर्णन होता है, ठीक है, 37 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 38 नंबर है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का जो नर जनन अंग है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पुंकेसर, 38 का ए हो गया आपका राइट आंसर। 39 नंबर है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो गया। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये हो जाएगा गंगा प्रदूषण में, गंगा में मछली पालना, तो मछली पालने से तो गंगा नदी प्रदूषित होता नहीं है दोस्तों, ये होता है कपड़ों का धोना, मतलब जो सबों को बहाना, उसके बाद रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन यानी फैक्ट्री से जाते हुए कचरा, वो सब के चलते जो है गंगा प्रदूषित होते जा रहा है, लेकिन मछली पालने से नहीं होगा होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 40 सब्जेक्टिव तो कर लिए, और मैं आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देता हूँ, जो लोग सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देने वाले हैं जाके अपना मिला सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक घंटे का अभी भी टाइम बचा हुआ है आप सभी के पास। देखिए दोस्तों अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें 5 नंबर में, किसी एक प्रश्न में आपको जवाब देना है, तो मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और चित्र बनाकर इसकी पाचन क्रिया को समझाइए, ये अगर इस पाठ में पूछा यानी फर्स्ट सेटिंग में, तो आप लोगों को सेकेंड सेटिंग में पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन का चित्र बनाइए, ठीक है, और उसको विस्तार से समझाइए, ये पूछा जाता है, इसलिए नेफ्रॉन को बारे में ज़रूर जान लेना। और दूसरा क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें, ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो ये बना सकते हो। ये तो दीर्घ उत्तरीय था दोस्तों, अब चलिए लघु उत्तरीय की ओर चलते हैं। देखिए लघु उत्तरीय में पूछा जा रहा है कि स्वपरागण तथा परपरागण का में अंतर लिखे, ठीक है, दूसरा है कि जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तीसरा है कि अपने विद्यालय को पर्यावरणीय कुलित बनाने के लिए दो सुझाव दे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है, तो ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, अपना देख लेना दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी ठीक है 8 क्वेश्चन में से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे के दृश्य देखने के लिए क्यों उपयोग में लाते हैं, ठीक है, ये भी आपको बताना है। दूसरा है कि समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, ये आपको भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा आपको बताना है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की एक किरण आरेख खींचिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति आकार एवं साइज स्थान को लिखे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखना है, किसी चार प्रश्नों का जवाब देना है, जो आप सभी को अच्छा लगे वो बता सकते हो, ठीक है, अपना मिला लेना दोस्तों यहाँ पे। तो ये उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, ठीक है, और दबाने के साथ एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।